हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम जगन्निर्मल ब्लॉग है। और आज के ब्लॉग में हम हैं भगवान शिव की नगरी सोमनाथ, और सोमनाथ में हम दिखाएंगे आपको सोमनाथ का मंदिर, वो मंदिर। और ये जा रहा है रास्ता मंदिर की तरफ, यहीं से सीधा ये जो रोड है जहाँ हमारी बस पार्किंग में खड़ी थी वहाँ से मात्र 5 मिनट का रास्ता है। ये बाज़ार लगा हुआ है पार्क की साइड में, ये रिक्शा वगैरह जाते हैं। और इधर ये स्मारक बना हुआ है, ये सीधी सड़क हमने सड़क को क्रॉस की। और सामने ये देखिए मार्केट, सोमनाथ का पूरा मार्केट है। और सामने आपको मंदिर दिख गया होगा गोल्डन कलर में। ये रोड है सीधा मंदिर की तरफ जाती है, और यहाँ जाने के लिए हमें अंदर मंदिर के अंदर कैमरा वगैरह अलाउड है नहीं, तो हमने अपने मोबाइल को बाहरी काउंटर पर जमा करवा दिया था, वो भी उसकी कोई चार्ज वगैरह नहीं लगता है। और साथ में मंदिर की मर्यादा अलग है, जहाँ पे हम लोअर या कोई भी हाफ पैंट है वगैरह है जो कपड़े वगैरह पहनना मंदिर में अलाउड नहीं, उसके लिए यहाँ पर फ्री में धोती दी जाती है, जिसकी एक रसीद कटती है 50 रुपये की फ्री डिपॉजिट है। और फिर हम वापस जाते हैं, वो रिसिप्ट देते हैं तो हमारे को वो अपने पैसे रिफंड मिल जाते हैं। ये बैरिकेड लगाए हुए हैं, और सामने ये फोटोग्राफर हैं जो मंदिर के अंदर फ़ोटो खींच के देते हैं। यहाँ से ये एंट्री है जो कि फ़िलहाल बंद थी। ये है पीछे का जहाँ से हम आए थे, और पूरा 360 डिग्री में आपको बताया गया है। ये फोटोग्राफर हैं, और हम जा रहे हैं यहाँ पे। ये सामने है जो मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, वो मंदिर जिसको मोहम्मद गजनबी ने 17 बार लूटा था। और ये है पुलिस की गाड़ी भी, देखिए ये है वो मंदिर गोल्डन कलर में। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1950 में इसका निर्माण करवाया था, वापिस जीर्णोद्धार, वो भी संविधान में एक संशोधन पास करके तब ये जाकर मंदिर बना था। बहुत ही अच्छा है। और पीछे इसके समुद्र है, विशाल का समुद्र। फिलहाल मंदिर के अंदर कैमरा तो अलाउड है नहीं, लेकिन हम बाहर से आपको दिखा देते हैं। ये देखिए यहाँ पे फोटोग्राफर भी हैं, तो उनको भी अलाउड नहीं है, खाली बाहर से हम देख सकते हैं ये मंदिर। ये मंदिर के पास में यहाँ पे बैरिकेड लगाए हुए हैं बाहर की साइड में। मंदिर एकदम अच्छा है, ये प्रथम ज्योतिर्लिंग है यहाँ पे। आपको हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक करें, शेयर करें। मैं ऐसे ही मज़ेदार ब्लॉग आपके लिए बनाता रहूँगा, तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय हिंद।